और खबर डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। सॉफ्टोनिक्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी डोईवाला में मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम देहरादून द्वारा संचालित मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन ने करते हुए डोईवाला क्षेत्र के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कई योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन सॉफ्टोनिक्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया। अभी तक संस्था द्वारा 2000 छात्र छात्राओं का कौशल विकास से जुड़े हुए कई प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, तो वही डोईवाला का कंप्यूटर सेंटर भी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां और युवतियां भी लगातार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित होकर परिवार की का जरिया बन रही है। अल्पसंख्यक कल्याण जो अल्पसंख्यक आयोग है उसकी गतिविधियां जिस तरीके से बहुत तेजी से डॉक्टर जैन साहब के सानिध्य में बढ़ रही है और जो प्रशिक्षण यहां पर अभी शुरू हुआ हुनर, यदि कौशल का विकास सब जगह से हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात की है, यही हुनर का विकसित होना ही उस रास्ते को तय करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि अरविंदर भाई जो है बहुत लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं और आयोग का उनको उनकी संस्था को लगातार सहयोग मिल रहा है। आज मैंने देखा कि बहुत सारी छात्र छात्राएँ इस हुनर रोजगार हुनर विकसित्री हुनर योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उसमें कंप्यूटर में टेली प्रशिक्षण के लिए आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह था, जिसमें माननीय सांसद जी यहाँ पर मौजूद रहे और आयोग के जो अध्यक्ष हैं जैन साहब वो मौजूद रहे, आयोग के माननीय के सचिव जो हैं हमारे जगदीश सिंह रावत जी वो उसमें मौजूद रहे और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में मौजूद। सम्मान हुआ जिन्होंने डिप्लोमा लिया था उनका, आज उन लोगों का सम्मान किया गया जो सफल उद्यमी हैं, जिन्होंने पहले प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण लेकर उन्होंने अपना कोई कार्यक्रम शुरू करा और अब वो अपने जो उन्होंने शुरू करा है कारोबार उसमें 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, तो उन लोगों को हमने आज उसमें से सम्मानित करने का कार्य किया। हमारे पास ऐसे हजारों हजारों बच्चे यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं और जिनकी लगातार डिमांड है, मेरे पास रोज आए दिन मेरे पास अलग अलग जगहों से डिमांड आती रहती है कि तो जो प्रशिक्षण आपको मिला है उससे आप औरों को भी रोजगार दें और अपने परिवार को भी चलाएं, उससे ये उद्देश्य है हुनर योजना का। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।